हेलो सात जी की हाल चाल ने होफरी तुम सारे जने वादिया होवोंगे ठीक ठाक होवोंगे सो दिस इज माय फर्स्ट लाइव ऑन माय दिस न्यू पेज जिदा मैं पहला ऑलरेडी रमन धालीवाल पेज बहुत सारा प्यार दिता ऑलवेज मेरे लाइव्स लाइव देखते रहे टाइम कट के ते, रहे ते.

फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इजमा आपने मेरे इनवाइट को एक्सेप्ट किया मेरे पेज पर आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स नहीं कोई बात नहीं कोई बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपने पेज पर पे इनवाइट किया थैंक यू सो मच मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है देखो हम कनाडा में बैठे हैं और आप यूएसए में हैं और हम बात करें इस बिजनेस के थ्रू हम अच्छे फ्रेंड्स बने आप हमारे टीम मेंबर्स बने राइट अच्छा लगता है ये इस बिजनेस की आई थिंक ये सबसे बड़ी खासियत है कि हमें कितने अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं टीम मेम्बर्स मिलते हैं राइट और हम उनसे जब बातचीत करते हैं बड़ा अच्छा लगता है बिल्कुल सही कह रही है की

ठीक है नाइस इसलिए अच्छा है कि आप अपने अपने आकर यहाँ पर अपना करियर की भी शुरुआत की है अपने साथ साथ राइट और जैसे अब आप इस डिजिटल बिजनेस में आए हैं जी आपको क्यों लगा कि आपने इस डिजिटल बिजनेस में आना है और आकर आपको कैसा लगा और कैसे आपने इस बिजनेस में के बारे में सोचा इस बिजनेस का ये था कि होता है कि इंसान का कुछ ऐसा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे और कुछ साथ अर्निंग भी हो हाँ जी तो ऐसे बाहर जब आप काम करते हैं तो आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते That's true. तो ऐसे ही फिर एक दिन फेसबुक पे तो हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हाँ जी। और वहां पे फिर मैंने एड देखी और उसके थ्रू फिर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया दस 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 गुड नहीं अच्छा लगा कि आपने अपना आ, इस बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट दिखाया राइट इसके जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपने आ, ट्रस्ट किया क्योंकि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो वेट करते रहते हैं जैसे आपके मन में भी स्टार्टिंग में काफी क्वेश्चंस होंगे कि ये बिजनेस क्या है कैसे है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताए क्यूकी हो सकता है आप, आपके जैसे और बहुत लोग हों जिनके मन में सेम क्वेश्चन आ रहे हो और वो आगे स्टेप लेने से हिचकिचा रहे हूँ नहीं अगर ये बिजनेस करना है सबसे पहली बात तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा हाँ जी ट्रस्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हाँ जी। होते क्वेश्चन होते हैं लेकिन बाद जब सारी बात ट्रस्ट की है ट्रस्ट जब कर लें तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहते आपके माइंड में हाँ जी तो yeah. मैं तो इस बहुत बहुत इस पे ट्रस्ट करती हूँ मैं तो बाकी भी लोगों को बोल रहा हूँ की कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें हाँ जी यानी हमें तो आप खुद बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमारी टीम में आए इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप हमारी टीम में एंटर हुए हैं बड़ा अच्छा लगता है जब कोई टीम मेंबर इतना पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आता है तो लगता है कि हाँ यार ये बता कुछ करेगा कुछ करके दिखाएगा <laughs> नहीं बाकी इसमें कुछ है बिजनेस में ना कि अच्छा लगता है कितने से नए लोगों से मिलते हैं

क्योंकि टाइम का तो पता चलता ही नहीं जैसे आप जैसे आप वो इसकी ट्रेनिंग भी खोलते जाते हो अच्छा लगता है कि इतनी इजी चीजें होती हैं कि आपको किसी से हेल्प नहीं लेनी पड़ती अगर कहीं स्टक हो जाते हैं आपके मेंटोर होते हैं आपके कोचिज इतने इतने हेल्पफुल है ना कि आप कर सकते हैं इजीली आप इसको कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट को कोई मसला नहीं है टाइम फ्लेक्सीबिलिटी है में, जिस टाइम तो आप चाहो आप कर सकते हैं ठीक है हाँ जी यार क्योंकि ये यही बेनिफिट है इस बिजनेस का कि आपको कोई एक बंदिश नहीं है टाइम की कि हाँ आपने इतने घंटे इस बिजनेस को लाइक कंप्यूटर खोलकर उसके आगे बैठना ही है जैसे जब क्या, जब आपके पास टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी ट्रेनिंग को टाइम दो अपने जो पोस्ट बनाने हैं और इस बिजनेस के मॉडल को अच्छे से समझना है कि क्या है कैसे वर्क करता है राइट उसके लिए आप अपने टाइम को मैनेज करते हो अब तो फोन से भी कर सकते हैं लाजमी के आप लैपटॉप ले लेके फिर फोन से भी सब कुछ अपना कर सकते हैं हाँ जी ठीक में आने के बाद, आपको कैसा लगता है अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पहले तो ये होता था कि जॉब पे जाना है बच्चों को देखना है घर के काम हाँ अब तो लगता है कुछ करना ही नहीं है इतनी लाइफ हो गई है मैं तो बहुत इजी हो गई हूँ इस बिजनेस में आके हाँ नहीं है बिल्कुल भी पहले स्ट्रेसफुल रहते थे कि सुबह उठना है इतने बजे जॉब पे जाना है उस पर हाँ जाकर नहीं पहुंचे तो फिर आपका मसला बनता है हाँ तो मजे की ये है कि आप जिस टाइम चाहे आप करें इसको टेंशन फ्री है ये सब कुछ That's true yeah. ये तो है कि अब हमें वो स्ट्रेस नहीं रहती कि हम बच्चों को लाइक में छोड़ना है हमें ऊपर जाना है फिर आकर घर के काम करने फिर बच्चों को कहीं लेकर जाना है, राइट? वो अब हमारी कम क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास हमारे फोन में सारा कुछ है जब भी हमारे पास टाइम है हम अपने बिजनेस को आराम से कर सकते है साथ में राइट बच्चों के साथ एक्टिविटीज करते हुए और बच्चे साथ में बैठे प्ले कर रहे हैं उनके साथ भी हम अपना वक्त गुजारते हुए कर सकते हैं राइट ठीक है सो so, जैसे जब आपने इस बिजनेस में आ, आपको कैसा फैमिली मेंबर का कितना सपोर्ट था आपको सपोर्ट कर रहे थे आपके हस्बैंड जैसे कई बार होता है कि कई बार जैसे मेरे कई लीड्स होते हैं वो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं पूछते हैं कि बिजनेस में आना है फिर वो एंड में मुझे नहीं शायद मैं हस्बैंड से पूछकर बताऊंगी मैं बाद में देखते हैं कैसे है क्या है तो आपको कैसा था फैमिली मेंबर ने पूरा सपोर्ट किया जाए इन दिगिनिंग वही सेम क्वेश्चन की नहीं ये कोई स्कैम होगा या ऐसे होगा

प्रूफ करके दिखाना है राइट पर आप हाँ। ये भी आपको साथ देते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ, जैसे हाँ। कि जैसे बिजनेस, बिजनेस या हाँ जी, हाँ। क्योंकि जी आ, है, राइट ऐसा तो कुछ नहीं है रजिस्टर्ड बिजनेस है अगर हम कंपनी को देखें और हमें एंड ऑफ ईयर टैक्स स्लिप्स मिलती है इस बिजनेस में ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारा पूरा पेपर वर्क होता है राइट हाँ जी So, कुछ आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आपको लाइक जैसे अब आपने इन किया, आप भी कर रहे हैं साथ साथ और कि किस चीज के लिए आपको कुछ लगा किस चीज के लिए आप हिचकिचा रहे हो जैसे इन द बिगिनिंग किस चीज के लिए आपको स्ट्रगल लगी हो या जब आ, अब अब आपको उस चीज के बारे में कुछ कंपेयर करना हो जैसे कि होता है ना जब हम बिजनेस में आते हैं हमें लगता है कि ये चीज मैंने लाइक इन द बिगिनिंग और अब की जो आपकी जर्नी है इस बिजनेस में उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि आपको आप आपको कैसा फील होता है जब आप ट्रेनिंग करते हो चीजों को लर्न करते हो इसका ये था कि पहले तो मुझे ये था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तो फिर जब आपके साथ हो शिका जी के साथ मेरी बातचीत हुई आप दोनों ने मुझे ऐसा एक्सप्लेन किया था ना कि मैं कहीं पर स्टक हुई नहीं हां जी कि आपने बहुत उन दोनों ने विषेखा ने बहुत मेरी हेल्प की कि स्टेप बाय स्टेप करना है और आपसे भी फर्स्ट मीटिंग आप दोनों के साथ मेरी हुई थी हाँ जी तो आपने इतना अच्छा मुझे गाइड किया था ना कि मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन रहे नहीं थे कि मैं आपसे कुछ पूछू हाँ जी तो अच्छा लगा है कि कुछ भी ऐसे क्वेश्चन नहीं कि पूछने पड़े वो ट्रेनिंग भी ऐसी इजी है ना कि आप उसको उसको पास करके फिर हाँ देख हाँ लें तो कुछ जो रह जाता है वो क्लियर हो जाते हैं हाँ जी कुछ भी ऐसे <laughs> हाँ yeah, that, nice. uh, हिचकिचाहट भी होती है और क्योंकि ट्रेनिंग के नाम से हमें थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है कि हम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी लर्न करना पड़ेगा राइट क्या चीजें है कैसे है शायद मैं नहीं कर पाऊंगी राइट आई थिंक सबको इस चीज का डर होता है इन द बिगिनिंग सबको होता है शायद मैं अपने

या yeah. नहीं क्या आपने आपने बड़े अच्छे से इस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं आप और माशाल्लाह आपको रिजल्ट्स भी जल्दी ही मिलेंगे जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं इस बिजनेस में अपना पूरा जो जैसे हम कहते हैं नाइनटी परसेंट का ऑटोमेटेड सिस्टम है जो टेन परसेंट एफर्ट होता है वो हम इस बिजनेस में अपना करते हैं और अपना अपना जो आप टेन परसेंट है वो आप, आप आप, बड़े अच्छे से कर रहे हो आप अपने पेज को बिल्डअप कर रहे हो अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप कर रहे हो और बड़े अच्छे से आप इस बिजनेस की ब्रीकियों को समझ रहे हो सिस्टम को समझ रहे हो नहीं बहुत अच्छे है आप, लगता है कि आपको रिजल्ट बड़े अच्छे और टाइम के साथ आपको रिजल्ट मिल जाएंगे नहीं जब आप जैसे लोग होते हैं हेल्प करने के लिए तो फिर तो टेंशन रहता ही नहीं है हाँ जी या, नहीं ये सारे टीम, मेंबर्स देखो, हमारे सारी टीम में जैसे कम्युनिटी में ही सारे लोग बहुत हेल्पफुल हैं जैसे जब मैंने भी स्टार्ट किया था राइट right, कोई ऐसा नहीं था कि हेल्प के लिए किसी की वेट करनी पड़ेगी अगर मेंटर और कोच आपके नहीं अवेलेबल होते आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो हमारे ट्रेनिंग के किसी भी आप मैसेज छोड़ो हाँ मैं ट्रेनिंग होगी मुझे समझ नहीं आ रहा कोई ना कोई आपको अवेलेबल है आंसर करने के लिए क्योंकि ग्लोबली बिजनेस है हर कोई हर अपने वक्त में इस बिजनेस को टाइम दे पा रहा है राइट क्योंकि कई लोग बिजनेस को जैसे फुल टाइम कर रहे हैं कई लोग साइड में साइड सोर्स इनकम के साथ उन्होंने चलाया हुआ है सो ग्लोबली बिजनेस होने के कारण दुनिया के किसी भी कॉर्नर में कहा कहीं से कोई ना कोई आपको हेल्प के लिए जरूर अवेलेबल होता है ये तो है Yeah. 24 /7 होते हैं. <laughs> that's, that's उसके बाद में अपना बैठती हूँ अपनी ट्रेनिंग को देखना राइट अपने पोस्ट वगैरह बनाने तब बैठ कर करती हूँ क्योंकि मुझे भी होता है की बच्चे आराम से बच्चों का टाइम ना कहीं जाए जो मुझे बच्चों को ऐसा ना लगे की हाँ मेरी मॉम ने कोई काम शुरू किया है और वो अब हमें टाइम नहीं दे पा रही राइट उनके हाँ। साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जब वो सो जाते हैं फिर मैं आराम से अपना बैठती हूँ कि अपने अब मैं थोड़ा अपना बिजनेस के ऊपर ध्यान दू बिजनेस का थोड़ा काम करूँ राइट मैं तो जब से इस बिजनेस में अपनी बेटी को ज्यादा ही टाइम देती हूँ पहले हाँ होता था आज निकल वीकेंड पे अब तो वो जब भी मुझे कहती है कि मैंने जाना है मैं उसको लेके जाती हूँ हाँ जी

सो so, इस इसी के कारण हम ऑलवेज कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को जब इस बिजनेस में आओगे आप खुद देखोगे कि जो बात जो बातें एक्साइटमेंट हम शो करते हैं वो रियल में है इस बिजनेस में क्योंकि आपको लाइक like, इतना कुछ नहीं आपका सिस्टम इतना अच्छा है ऑटोमेटेड सिस्टम है आपके लिए आपने कहीं पर जाकर कोई डाटा नहीं फीड करना आपके लिए सब कुछ ऑटोमेटेड होता है आपने right. सिर्फ अपने अपना जो आपका टेन परसेंट है उसको आपने करना है और आपका बिजनेस गुड टू गो है राइट मुझे yeah. बड़ा अच्छा अच्छा लगा लगा आपसे बात करके कर आप मेरे मेरे पेज पेज पर पर आए और हमने बातचीत की बहुत ही मुझे अच्छा लगा आपका मेरे पर आने बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच थैंक यू व्यूअर्स yeah, हमें जो लाइव वॉच कर रहे हैं मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ हमारी टीम से सतनाम मनप्रीत शेरेस उर्फा िका एंड शिखा चावला हमें लाइव वॉच कर रहे हैं ये हमारी टीम मेंबर्स हैं और थैंक यू फॉर वाचिंग अस लाइव एंड थैंक्स फॉर ऑल द पीपल जो बाद में हमारा रिप्ले वॉच करेंगे आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप uh, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस के रिलेटेड हिचकिचाए मत इंफॉर्मेशन लें कि बिजनेस क्या है क्या इसका मॉडल है कैसे ये वर्क करता है आप कभी भी हमसे क्वेश्चन आंसर करें ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके क्योंकि जब हमें लगता है कि हम इस बिजनेस में आकर अपनी लाइफ का जो अपने आप को बिल्ड तो कर रहे हैं फाइनेंशियली एंड पर्सनली उसके साथ साथ हम अपनी फैमिली को भी बिल्ड करते हैं सो हमें यह है कि अगर आप मदर हैं हमारे जैसे घर पर बैठे हैं और आपको लगता है कि आपके पास टाइम है जिसको आप बिजनेस के लिए यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप इस बिजनेस में जंप इन कर सकते हो बड़ा अच्छा सिस्टम है और आपका जो वर्क है सिर्फ टेन बिजनेस में सो so, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप उजमा फॉलो करे आप उनको क्वेश्चन करो वो आपको आंसर गएगी कि क्या ये बिजनेस है कैसा ये मॉडल है कैसे ये वर्क करता है तो आप कभी भी हमसे फॉलो अप कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच थैंक यू उजमा जी थैंक यू थैंक यू सबको वॉच करने का थैंक यू